ना ना पहली बार मारी तो फिर नीचा कौन पड़ो, फिर फिर आगे और भगाई मोटरसाइकिल ने और भगाई। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक, हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बात करूं तो विपुरवाटी विधानसभा ग्राम पंचायत ककराना में मैं मौजूद हूं, और जिस प्रकार से बात करें कि पिछले दो दिन पहले दीपुरा में जो ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं संतोष कुमार सोनी, जो ककराना के निवासी हैं, जो जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि अपनी दुकान को बंद करके अपने घर आ रहे थे और उनके साथ एक डकैती की जो घटना घटित हुई थी, और पूरा माजरा क्या है समझेंगे। संतोष कुमार सोनी हमारे साथ मौजूद है जी। की मामलो है, पूरा मामलो बताओ, कब की घटना है ये? 13 तारीख की घटना है। क्या मामला था ये? लूट का मामला। मतलब 13 तारीख को आप कहाँ थे? 13 तारीख को मैं दुकान पे था, और फिर 13 तारीख को दुकान को शाम की बढ़ा के आ रहा था 8:30 बजे, और फिर इन मित्र की दुकान पे पैसे लिए, पैसे लेके फिर घर पे आ रहा था। अच्छा, दुकान को जब आप बंद कर रहे थे तो आपके पास क्या क्या आइटम था? मेरे पास सोने चांदी के आइटम थे और 7 लाख रुपए कैश थे। इतनी बड़ी कैश की राशि आपके पास क्यों थी? उसे यो कोई को सामान करके देनो, सामान के साथ कोई ओड़ा सोड़ा लेकर फिर कोई ग्राहक का पिसा भी साफ सुना जी। और सोना चांदी को के क्या आइटम? सोना चांदी 200 ग्राम सोनो हो और 8 किलो चांदी। अच्छा, वो आइटम थारगन हो? हाँ। और सामने थे दुकान बंद के एकला ही आ रहा? हाँ, शाम की दुकान बढ़ा कर फिर मैं। लगभग कितनी बजे? 8:30 बजे। 8:30 बजे? 8:30। अच्छा, थे दुकान बढ़ा के 8:30 बजे अपनी दुकान से आ रहे हैं, फिर क्या करना है? फिर रास्ता में, फिर रात के टाइम में ई मित्र की दुकान पे पैसे लिए। कहाँ? ई मित्र की दुकान पे, दीपरा स्टैंड पे। दीपरा स्टैंड पे सुरेंद्र के पास पैसे लिए, और पैसे लेके फिर मैं घर के ओर आ रहा था। फिर रास्ता में गाड़ी आई बुलेरो, और मैं मोटरसाइकिल की टक्कर देके, और फिर मेरे को हड्डे में टक्कर कटी सी थी। सारे ककराना के बीच में कौन सी जगह जहाँ आपको टक्कर दी गई? राम निया जी के घर के पास। अच्छा, वहाँ पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी भाग के आ रही थी या फिर धीरे आ रही? गाड़ी अचानक ही आई और अचानक आ, फिर अचानक फेंट दी। अच्छा, आप अपने हिसाब से आ रहे थे? हाँ। अच्छा, उसकी लाइट नहीं चल रही थी? उसकी लाइट नहीं चल रही। अच्छा, फिर आपको टक्कर मारी गई? हाँ, टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद क्या हुआ? टक्कर मारने के बाद वो आए और मेरे को उठाए और उठा नहीं, पहली बार आपको टक्कर मारी गई, आप नीचे गिर गए? वो टक्कर मारी गई, आप नीचे गिर गए? ना, पहली बार मारी तो फिर नीचे कौन पड़े? फिर आगे और भगाई मोटरसाइकिल ने और भगाई, फिर ओजू पे टक्कर। अच्छा, थारे पीछे पे टक्कर मारी तो फिर? हाँ, संभल गो। और फिर गाड़ी ने वापस भगा ली? हाँ, फिर वापसी भगा ली, फिर वापसी ला, फिर खाई में भटक दिया। अच्छा, फिर टक्कर मारी गई? हाँ, फिर टक्कर। अच्छा, फिर आप खाई में गिर गए? हाँ, खाई में गिरने के बाद फिर मतलब दोबारा उठे नहीं आप? फिर दोबारा तो वे अब उठ रहे हो तो फिर उठते टाइम पर वे चोट मारी, और चोट मार फिर मैंने गाड़ी में गिर लिया। कितने लोग थे? चार बंदे थे। अच्छा, आपको आपकी बाइक वहीं रह गई? हाँ, बाइक वहाँ वहीं पे थी। जो पैसे आपके पास कैश थे? कैश 7 लाख रुपए कैश थे। अच्छा, वो आपके वो बैग वो आपके पास था? वो बैग बाग वो सब उसके साथ ही गए। नहीं, उन्होंने ले लिया था तुरंत? हाँ, उन्होंने ले लिया था। अच्छा, उसके बाद आपको गाड़ी में? हाथ में कड़ा था, वो कड़ा ले लिया, चैन चान जो कानों की बाली बूढ़ी वो सब ले लिया। अच्छा, फिर आपको गाड़ी में बिठा के ले गए? हाँ, गाड़ी में। कहाँ लेकर गए? अरे, ताल जेलवा के पास। फिर तो वह बड़े तो भयंकर, तो कोई बस गाड़ी में बिठा के लेगा, फिर अड़े ककराना सू चौफले लेगा, चौफले सू फिर चौरा सू फिर चौरा कैंप, फिर कैंप और बड़ी के लेगा। अच्छा, वो गाड़ी में बिठा बस पहले करीब, और फिर तो वे जबाड़ा जबाड़ा पर पैर पार धर कर फिर भी साफ सुले आए। अच्छा, आडू गिर के ले आए गाड़ी में। बुलेरो गाड़ी थी? हाँ, बुलेरो गाड़ी। फिर आपको चौफले ले गए? चौफले लेके गए थे, चौफले से फिर चौरा, और चौरा से कैंप के पास लेके गए थे, और कैंप में लेके जाकर फिर आड्डा पटक दिया था मेरे को गाड़ी में। गाड़ी की सीट के पास पटक दिया आड्डो। अच्छा, फिर आगे क्या लगे? फिर आगे ताल जेलवा में लेगा, ताल जेलवा में ले जा, फिर मैंने बड़े हाथ मेरे बांध दिया, हाथ मतलब हाथ मुंह थारो बांध दिया पूरा। अच्छा, और कपड़ा उतार दिया, फिर कपड़ा उतार, फिर वह फिर मैंने छोड़ कपड़े आधी घंटा थे बड़े बैठे रही वे,
और आधे अच्छा थाने बड़े छोड़ दिया हाँ। छोड़ के बाद में बैठे दो बंदा बैठे रिया फिर वो फोन फान भी करे ही और फोन फान भी करे फिर वो मेरे पट्टी पट्टी चिपड़ी टेप से मैंने बांध गया। अच्छा क्या क्या बांध गया? मुंह के भी मुंह नाक के बांध गया हाथ पैर के बांध गया हाथ पैर मुंह बांध के थाने बड़े पटक गया। हाँ बड़े पटक गया। अच्छा फिर कितने बजे की घटना आई जब पट गया था? शायद वो तो साढ़े नौ दस दस। अच्छा वो लोग फिर कितनी देर बाद में गए? वे आधे घंटा बाद में गए। आधे घंटा बाद? आधे घंटा वो मेरे पास ही रहे थे वो। अच्छा उस टाइम आपसे कोई बातें हुई थी? अबे वो अभी टाइम पे तो कोई बात को नहीं फोन पे बात कर रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा फिर आपने घर वालों को कैसे सूचना दी? घर वालों को सूचना तो ये वहाँ पे काफी लोग खड़े थे रोड के ऊपर रोड पे फिर उनके पास गया फिर उनसे फोन मांगा फिर आती थे मेरे गाड़ी ड्राइवर और वो आ गए थे। अच्छा तो अभी दो दिन की घटना होगी पुलिस प्रशासन ने भी थे सूचना दी है कि कोई जानकारी मतलब पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दे रही है? पुलिस अभी तो काम चल रहा है आज से काम है। आज से तो FIR दर्ज कब करवाया आपने? FIR 13 तारीख को धरना देने की। आज आप SP के पास गए तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया अगला कदम वो धरना का होगा जी थाने का घेराव किया जाएगा उसके बाद वहाँ पे अनशन पे बैठा जाएगा और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वहाँ पे जितने दिन चलेगा पुलिस कोई एक्शन कौन ले रही मेरी बात सुनो और पुलिस मेरे बात सुनो लापरवाही कर रही है मुलजिम है मेरे बात सुनो आ जाएगा आ जाएगा पुलिस आती है एक वो डेकोरेशन देख के ने वापिस चल जाती है एक गमरा रखा है पुलिस ने बिल्कुल। लगभग कितने रुपए की राशि थी जी पूरी टोटल बात करें तो? 25-26 लाख टोटल जी। तो देखिए तमाम ये जो ग्रामीण भी हैं और आज ये SP के पास जाके आए हैं।